I have taken the topic minor and cofactor of any determinant. किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको हमने इस अरेंजमेंट में लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, तो आई एम डिस्कसिंग विद यू कि वॉट इज द माइनर. माइनर मीन्स होता है कि किसी भी, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई एक एलिमेंट पहला लिया, इस पहले एलिमेंट के क्रॉस अगर हम रो करें तो रो ऐसे क्रॉस हो रही है, और इसको कॉलम क्रॉस करें तो ये हो रही है. तो फाइनली वी गॉट द अरेंजमेंट 5, 6, 8, 9. दिस इज द माइनर ऑफ वन. ओके, सो हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा. यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट है तो टोटल माइनर्स यहाँ पे 9 होंगे. 6 का आपको माइनर निकालना है तो 6 के CH6 है एलिमेंट, 6 के सीध में हमने कॉलम को कट किया, देन रो को कट किया, तो एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं हमको, अरेंजमेंट क्या मिल रहा है, 1, 2, 7, 8. देखिए हमने लिखा है 1, 2, 7, 8. माइनर को M से डिनोट करते हैं, M2, 3. ऐसे ही मेरे वीडियो को पॉज करके आप लोग माइनर ऑफ 9 निकाल सकते हैं इसी डिटर्मिनेंट में, और माइनर ऑफ 5 निकाल सकते हैं. ओके, देन डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर, माइनर का ऑर्डर क्या होता है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, और इसके माइनर के ऑर्डर देखिए तो कितना आ रहा है, 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम. तो डिटर्मिनेंट का जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम करते हैं तो माइनर का ऑर्डर आ जाता है. देन इसका यूज क्या है, कोफैक्टर निकालने में. कोफैक्टर क्या होता है, इसको डेफिनेशन की तरह लर्न कर लीजिए, माइनर विथ साइन. अगर किसी माइनर में हम साइन लगा देते हैं, अब साइन ऐसे तो नहीं लगाएंगे, साइन का लगाने का भी रूल होता है मैट्रिक्स में, -1 की पावर i+j. ओके, i+j करते हैं अगर, तो -1 की पावर i+j करा तो उसको लगा दें अगर माइनर के साथ में, देन इट विल बी कोफैक्टर. अब देखिए, जैसे कि इस ऊपर वाली ही डिटर्मिनेंट में A23 निकालना है, मीन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A23 को फैक्टर निकालना है, तो M23 का मल्टीप्लीकेशन उसके साइन में, i+j है इसलिए 2+3 हो गया. ओके, फ्रॉम एबव, अब हमें मान लीजिए A12 निकालना है तो A12 -1, 1+2 हो गया, तो हम पहले M12 निकाल लें. M12 मतलब क्या हो जाएगा, 1, 2, मतलब कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, 2 का माइनर, तो 2 की सीधी रेखा में हमने काट दिया कॉलम, और 2 की ऐसे हमने काट दिया, तो क्या बचा, 4, 7, 6, 9. तो 4, 7, 6, 9 इसका डिटर्मिनेंट, दिस इन 4 × 9 - 7 × 6. ओके, साइन ये माइनस क्यों लगा, 1+2 के कारण, -1 की पावर 3, इट विल बी ऑड, तो माइनस आ गया. सो A12 फाइनली इज 6. अब इसका यूज क्या होता है, यूज ऑफ कोफैक्टर, इसका डिटर्मिनेंट निकालने में यूज होता है. किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके एलिमेंट से अगर हम, चाहे हम रो लें चाहे कोई कॉलम लें, उसकी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर उसके कोफैक्टर से करते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट द डिटर्मिनेंट. ओके, जैसे अगर हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो A11 लिया, और कैपिटल A11 मतलब कि A11 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13. ओके, कैपिटल A11 कोफैक्टर की डेफिनेशन से, A11 मींस 1 का कोफैक्टर, तो 1 की सीध में हमने खींच दी 2 लाइनें, तो 5, 6, 8, 9. ओके, इस तरह से ये हमने, अगर इसी का एग्जाम, ये फॉर्मूला बन गया, इसी के एग्जाम्पल को हमने डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की है. 1 का 1 × 1 का कोफैक्टर, फिर ये माइनस साइन क्यों लग गया, क्योंकि इसके ऊपर माइनस साइन क्यों होता है, क्योंकि हमने आपको बताया -1 की पावर i+j होता है. इसको प्लीज लर्न ऐसे मत लिख कीजिएगा कि प्लस माइनस लेमैन की तरह प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, नहीं, क्योंकि ऑर्डर अगर बड़ा हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा नियम. तो नियम से करिए, -1 की पावर i+j होता है, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है. जब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम लगाओगे तो 1+2 3 होता है, इसलिए -2 आया.
इसका कोफैक्टर, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, माइनस सिक्स आया. ओके, एनी डाउट यू कुड आस्क मी इन कमेंट सेक्शन.